हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर में चोरियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे आम जन एवं व्यापारियों में भय बढ़ने के साथ पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। दरअसल बीती सोमवार रात अज्ञात चोरों ने इंदिरा सर्कल प्राइवेट बस स्टैंड स्थित दो कैबिनों में सेंधमारी करते हुए एक गैस सिलेंडर के साथ हजारों रुपए का सामान पार कर लिया। अज्ञात चोरों ने यहां एक कैबिन का शटर काटकर गैस सिलेंडर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट समेत करीब 50,000 रुपए का किराना सामान पार कर लिया। वहीं दूसरे कैबिन से फल फ्रूट के साथ करीब 25,000 के किराना सामान पर हाथ साफ कर लिया। कैबिन संचालक भाकर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को वो अपनी कैबिन को बंद कर घर लौट गया था। सुबह जब वापस कैबिन पर पहुंचा तो शटर टूटा हुआ पड़ा था और कैबिन में रखा गैस सिलेंडर समेत करीब 50,000 रुपए का सामान गायब था। स्थानीय व्यापारियों की माने तो इंदिरा सर्कल बिना आबादी का क्षेत्र होने और रात्रि कालीन पुलिस की गश्त न होने के कारण यहाँ आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ रही है। व्यापारी खेताराम ने बताया कि रविवार रात को भी प्राइवेट बस स्टैंड में करीब 9 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोर करीब 1.5 लाख का सामान पार कर गए। घटना को लेकर सोमवार को समस्त व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद भी ना पुलिस मौके पर पहुंची और ना ही वारदात की जानकारी ली। इंदिरा सर्कल स्थित प्राइवेट बस स्टैंड इलाके में लगातार बढ़ रही चोरियों की घटनाओं को लेकर यहाँ व्यापारियों में रोष व्याप्त है। वहीं कोतवाली पुलिस की ढीली कार्रवाई को लेकर भी व्यापारी काफी चिंतित है। स्थानीय व्यापारियों की मांग है कि इंदिरा सर्कल प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र में रात्रि गश्त के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए ताकि बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पिछली दो रात्रि में 11 दुकानों में चोरी की वारदात को लेकर जहां व्यापारियों में भय व्याप्त है, वहीं व्यापारियों में पुलिस के प्रति काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाड़मेर पुलिस शहर में बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर आखिर कब तक अंकुश लगा पाती है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।